आया, वो 230 पेजेस का एजेंडा था जो वहां पे प्रेजेंट किया गया है। 13 मेंबर जिनका वोट है सेनेट के अंदर, उसमें से 4 मेंबर हमारे फैकल्टी के हैं, एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर, उनका इंतखाब अभी तक नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इस सेनेट से पहले उनका इंतखाब हो जाता ताकि हमारी आवाज उस सेनेट के अंदर मौजूद होती और वो हमारे हकूक की जंग वहां पे लड़ सकते, लेकिन इन्होंने वो नहीं करवाया। हमने ये बात मान ली कि चलें ठीक है, आप सेनेट का इजलास करवा लें इस वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि ये शराइत तय हो जाएं, रेक्टर की अपॉइंटमेंट हो जाए, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स हो जाएं। आपको पता है कि ये सारे के सारे इस वक्त एक्टिंग हैं, रेक्टर, आपका रजिस्ट्रार, आपके 5 कैंपसेस के डायरेक्टर, ये सारे के सारे 6 कैंपसेस के डायरेक्टर ये इस वक्त एक्टिंग पोजिशन पे हैं। तो हमें ये था कि ये लोग एक बार परमानेंट हो जाएं, उसके बाद सेनेट और सिंडिकेट के अंदर हमारे नुमाइंदे पहुंच जाएं तो वो हमारे हकूक की आवाज़ वहां पे बुलंद करेंगे, लेकिन उन्होंने एक साजिश के तहत ये नहीं होने दिया। हमने मान लिया कि चलें इस पे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे सामने बैठ के ये बात की और आज वो मुकर गए और झूठ बोला हमारे साथ और उस वादे की खिलाफ वर्जी की और 230 पेजेस का वो डोजियर उन्होंने वहां जमा कराया जो हमारे पास आज मौजूद है। दो मराहल में हमारे कॉम सेट्स का जो CUI है इसका ये आगे चलता है। पहले मरहले में 24 अप्रैल 2018 को असम्बली के फ्लोर से ये बिल पास होता है जिसको CUI कॉम सेट्स एक्ट 2018 जिसको नाम दिया गया, वो बिल पास होता है 24 अप्रैल 2018 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर साइन करते हैं और वो बिल जो है वो आता है। उसके सफ़ा नंबर, ये जो पाकिस्तान गजट में जो पब्लिश हुआ है उसके सफ़ा नंबर 218 के ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसका 35वीं शिक जो है वो कहती है, ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड बाई द यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन conditions of service prescribed by statutes shall be persons in the service of Pakistan, के तमाम वो मुलाजमीन जो कॉम सेट्स के एम्प्लॉय होंगे, जो मुलाजमीन होंगे, उनका हक जो होगा वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन जैसा होगा। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन तमाम के तमाम परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास पेंशन का, ग्रेजुटी का, हर चीज का हक होता है और